हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया तोरण डिजाइन लेके आई हूँ। बिल्कुल आसान डिजाइन है, जिसके लिए ये वाला कलर कॉम्बिनेशन लिया है। और ये 3-ply ऊन है, जो कि 20 ग्राम ये है और 10 ग्राम ऊन ये है। 11 नंबर क्रोशिया से डिजाइन बनाएंगे, तो इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे तौन पट्टी से। तौन पट्टी के लिए 9 चेन लेनी है। और 1, 2, 3 तीन चेन छोड़ेंगे, फोर्थ में डाल के और पप बना लेंगे। ये देखिए 3 टाइम पप बनाएंगे, ज्यादा हैवी नहीं बनाने तौन पट्टी के लिए। अगर हैवी बनाने हो तो 4 टाइम या 5 टाइम भी बना सकते हैं। दो चेन और एक पफ और सेम जगह पर बनेगा। फिर दो चेन लेनी है और जो बीच वाली जितनी भी चेन है सब छोड़ देनी है, लास्ट वाली चेन में डाल लेना है। दो पप बनाएंगे यहां भी, अपने हिसाब से बना सकते हैं 3 टाइम या 4 टाइम। 3 टाइम का हल्का लगे तो 4 टाइम ले लें, या 5 टाइम बना सकते हैं और हैवी बनाना हो तो। ये 4 टाइम वाले या 3 टाइम वाले सही बनते हैं साइज में, तौन पट्टी के हिसाब से। एक और बना लेंगे सेम जगह पर ही, दो चेन लेके बीच में। टर्न करेंगे और यहां पर आ जाएंगे स्लिप स्टिच लेके इस तरह से। फिर पप बनाएंगे, दो चेन बीच में और सेम जगह पर एक पफ और। फिर बीच में भी दो चेन लेनी है और जो ये वाला है इसमें दो पफ। तो इस तरह का डिजाइन में तौन पट्टी बनाएंगे। दो चेन बीच में, ये देखिए ये दो राउंड हो गए। इसी तरह से कंटिन्यू राउंड बढ़ाते जाएंगे और तौन पट्टी के साइज के हिसाब से बना के तैयार कर लेंगे। बीच में आना है स्लिप स्टिच लेके और उसके बाद पप बनाने। दो चेन, फिर बीच में भी दो चेन, इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तौन पट्टी तैयार हो गई थी और ये मैं फिनिशिंग कर रही हूं ब्लू कलर से। ये देखिए, तो ये मैं दो चेन लेके बीच में और फिर कर रही हूं। ये देखिए 1, 2 और फिर नेक्स्ट में डाल लेंगे डबल क्रोशिया में। सिंगल में भी बना सकते हैं और डबल में भी बना सकते हैं इस तरह से। और यहां पर अगर आपको खिंचा हुआ लगे तौन पट्टी तो 3 चेन ले सकते हैं यहां। तो इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से तौन पट्टी की फिनिशिंग कर लेनी है और तैयार कर लेनी है। अब मैं इस पर डिजाइन बना के दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन होगा, जिसकी मैंने एक पेटल बना के तैयार की है। ये देखिए बिल्कुल आसान है,
आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान सी पेटल है और बहुत ही आसानी से आप ये डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने एक बनाया है तो दूसरी मैं बना के दिखाऊंगी, सेम इसकी तरह ही जैसे वो बनाऊंगी वैसे ही मैंने ये बनाई है, तो आप भी वैसे ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेटल बनानी। तो अंदाजा लेंगे हम ये वाला, ये पेटल यहां तक आई हुई है तो यहां से ही हम शुरू कर लेंगे और अंदाजा लें तो ये यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरह से ले। तो बाकी आप ये वाला पैटर्न काउंट करके भी ले सकते हैं। देखिए कितने पफ हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आनी चाहिए दूसरी पैटर्न हमारी। तो ये वाला भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पफ के डिजाइन है। तो ये वाला हम इधर भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये सेम बराबर जगह ही आई है। तो इस तरह से हमें जगह नापनी है और यहां से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो डिजाइन की स्टार्टिंग हम ब्लू कलर से करेंगे, सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में। चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 6 चेन और अब यहां पर बांध लेना है। अगर आप ये इसका साइज बढ़ाना चाहें तो चेन बढ़ा सकते हैं। देखिए अब दो चेन लेनी है, मैं दो चेन पे ही बनाती हूँ, तीन पे भी बना सकते हैं लेकिन पेटल की चौड़ाई ज्यादा हो जाती है फिर उससे, इसलिए मैं ये दो चेन पे ही बनाती हूँ। ये देखिए टर्न करेंगे, डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन वाला और एक ये, फिर एक चेन लेनी है, फिर दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन, चेन एक ही लेनी है कंटिन्यू और डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है, तीन कर लेंगे नेक्स्ट में, चार कर लेंगे, फिर 5 6 जितने साइज बढ़ाना चाहें इस वाले डिजाइन का उतने ही डबल क्रोशिया हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये शुरू में दो, उसके बाद मैंने तीन बनाए, फिर चार, फिर छह बनाए चार के बाद, और इस तरह से ये बढ़ाते जाना है जितना साइज में बनाना चाहे, पेटल भी बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से बना के तैयार कर लें। तो चेन लेंगे, फिर चेन लेंगे, इस तरह से ये 5 पार्ट करूंगी मैं इसके। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 हो गए, इसको यहां पर बांध लेना है, फिर दो चेन लेंगे, नेक्स्ट राउंड में भी चेन इसी में बांध लेंगे, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं करनी इस चक्कर में। टर्न करेंगे और जो दो डबल क्रोशिया है यहां पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे अब। तो एक तो चेन वाला हो गया, एक ये हो गया, एक और बना लेते हैं, तीन, फिर चेन लेंगे, चेन एक ही रखेंगे, डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं 5 6 7 जितने राउंड आपको लेने हैं उस हिसाब से ले लें। मैंने पहली पेटल बनाई है उसके हिसाब से मैं साइज बना लूंगी। बहुत ही सिंपल सा आसान सा डिजाइन है। ये देखिए कंटिन्यू इस तरह से मैं बना के तैयार कर लूंगी, डबल क्रोशिया के हिसाब से 2 4 6 8 10 डबल क्रोशिया है लास्ट में, तो 10 डबल क्रोशिया तक बना लूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत सही से बनेंगे। तो इस तरह से ले लेना है, तो इस तरह से 10 डबल क्रोशिया तक ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हमें चेन लेकिन दो राउंड बनाने हैं चेन के, 5 चेन लेनी है, पहले हम इसे यहां पर बांध लेंगे, बांध रखा है, और अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 थोड़े थोड़े गैप छोड़ के और बांध लेना है इस तरह से। इस तरह से पूरे में बांध लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से चेन लेके बांध लेना है। अब सेम चेन का ही हम एक राउंड और करेंगे, जो कि यहां से शुरू करेंगे और फिर चेन लेंगे, पांच चेन ही लेनी है और इन दोनों के बीच में बांधना है। फिर पांच चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में बांधना है। देखिए फिर पांच चेन, देखिए इस तरह से ये राउंड और ब्लू कलर में ही बना लेंगे। इसके बाद कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेने, दो राउंड मैंने लिए हैं चेन से। बिल्कुल आसान सा है ये, देखिए इस यहाँ तक बिल्कुल ही आसान है। अब हमें फ्लावर बनाने हैं ये वाले, पहले लेमन कलर में बनाएंगे फिर ब्लू वाले, फिर लेमन का राउंड कर सकते हैं इस तरह से। ये भी साइज में जितना चाहें बना सकते हैं। तो मैं फ्लावर बनाना शुरू करूंगी लेमन कलर में। ये देखिए ये ऊन को थोड़ा डबल कर लिया है और यहां पर बांध लेंगे। इस तरह से लेके एक चेन लेंगे और फिर यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। इस तरह से इधर चार चेन लेके बांधना है और फिर टर्न करना है, और जो चार चेन ली है इसमें हमें बनाना है तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिए। देखिए जितने साइज में बनाना चाहे पत्तियां उस हिसाब से ले ले, मैंने चार डबल क्रोशिए की बनाई है तो तीन हो गए, 1 2 3, तीन चेन लेके ये चार हो गए। इस तरह से बनानी है पत्तियाँ। फिर दूसरी पत्ती शुरू करेंगे, 2 3 4, सॉरी 3 चेन का ही है। अगर पत्तियाँ बड़ी बनाना चाहें तो चार चेन ले, चार चेन के ट्रिपल क्रोशिया में बनाएं, 1 2 3। एक दो तीन, इस तरह से ले लिया। अभी हमें दो चेन लेनी है, दो चेन लेके यहां पर बांधना है नेक्स्ट वाले में, और बांधने के बाद फिर दो चेन लेंगे, 1 2, और इसमें फिर फूल बनाना शुरू करेंगे। चार डबल क्रोशिए, फिर चार चेन लेके बांधना है सेम जैसे ये फूल बनाया है हमने, इसी तरह से कंटिन्यू बना लेना है। एक में बांधना है, एक में फूल बनाना है। तो इस तरह से ये मैंने बना के तैयार किया है, कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे और जितने राउंड में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पेटल बना के तैयार कर ली मैंने। तीन राउंड इसमें लगाए हैं लेमन कलर में, फिर ब्लू में, फिर एक लेमन कलर में और लगाया है। इस तरह से ये बना के तैयार किया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत आसानी से इसे आप बना सकते हैं। ये फ्लावर मैंने लगाया है, बीच में भी लटकन वगैरह यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो डिजाइन तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।